नमस्ते, मैं सौरभ हूँ और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप की चुनाव यात्रा। ललन टॉप की टीम है फरीदाबाद में और इस वक्त हम हैं ओल्ड फरीदाबाद मार्केट में। हम यहाँ ये जानने आए हैं कि फरीदाबाद का मूड क्या है, इलेक्शंस को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं पिछले 5 साल से खट्टर सरकार के बारे में। बात करने से पहले इस मार्केट में मैं आपको बता दूँ कि यहाँ के प्रत्याशी कौन कौन हैं। बीजेपी से यहाँ पर विपुल गोयल, जो इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, वो विधायक हुआ करते थे, मगर उनका टिकट काट दिया गया है। टिकट मिला है नरेंद्र गुप्ता को। और जेजेपी की तरफ से हैं कुलदीप तेवतिया और कांग्रेस की तरफ से हैं लखन सिंगला। इन तीनों के बीच मुकाबला है। अब लोग क्या सोच रहे हैं, मुकाबला किसके साथ है, कौन जीत रहा है, और विपुल गोयल जो इंडस्ट्री मिनिस्टर थे उनके टिकट कटने के बारे में क्या सोच रहे हैं। हम यहाँ बात करेंगे लोगों से, क्या माहौल है। क्या नाम है आपका? विनय ग्रहाना। विनय, क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, अभी तैयारी कर रहा हूँ एग्जाम्स की, गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूँ। गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी? हाँ जी। क्या आपके हिसाब से क्या बड़े मुद्दे हैं फरीदाबाद? बड़े मुद्दे फरीदाबाद के, जो बेसिक मुद्दे अभी भी फरीदाबाद में वही हैं, सड़क, पानी, बिजली। अगर आप सड़कों से आएंगे तो खुदी हुई सड़कें हैं, तो चुनावी मुद्दा फिर से वही है, सड़क, पानी, बिजली। हमारे नेता उससे ऊपर ही नहीं उठ पा रहे हैं। अगर मैं अपने हिसाब से क्या मुद्दे होने चाहिए? मेरे हिसाब से मुद्दे होने चाहिए, हरियाणा में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है। अगर आप बेरोजगारी की बात करें, आपराधिक दर अभी भी नहीं है। अभी जहाँ हम शूटिंग कर रहे हैं, हम कूड़े का ढेर जस्ट अभी पास करके आए हैं, तो वो मुद्दे सिर्फ चुनाव से पहले के जो भाषण होते हैं उन तक रह जाते हैं, चुनावी मुद्दे नहीं बन पाते हैं। फरीदाबाद दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में गिना जाता है, पर ये चुनावी मुद्दा बिल्कुल भी नहीं है, किसी पार्टी का नहीं है, बिल्कुल गायब है ये चुनाव के मुद्दे से। तो इन चीज़ों पे बात होनी चाहिए, क्योंकि अगर मूलभूत सुविधा की बात हो, सड़क, पानी, बिजली, इससे पहले सब लोगों को सांस लेने की आज़ादी होनी चाहिए। अगर हमें सांस ही अच्छी नहीं मिलती है, जब हवा इतनी प्रदूषित है, तो ये मुद्दा होना चाहिए चुनाव में। मुद्दा होना चाहिए, मगर पॉल्यूशन मुद्दा है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं है। क्या नाम है आपका? उमंग गोयल। उमंग, क्या करते हैं? मैं बीटेक हूँ सिविल इंजीनियरिंग से। अभी क्या कर रहे हैं? अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ कॉम्पिटिशन की। कॉम्पिटिशन की तैयारी? हाँ जी। रहने वाले फरीदाबाद? फरीदाबाद के ही है। क्या मुद्दे हैं फरीदाबाद के? फरीदाबाद के जैसे भाई ने बताया कि जैसे इधर है पॉल्यूशन है, यहाँ पे मैं ओल्ड मेन ओल्ड जो है अंदर गलियों में है वहाँ का रहने वाला हूँ, बस्तापाड़ा का रहने वाला हूँ। वहाँ पे स्मार्ट सिटी के नाम से प्रोजेक्ट से सीवर लाइन डाली गई है, पानी डाली गई है, पानी की लाइन डाली गई है, बट वो क्या कि सीवर लाइन डाल के खोद के सड़क यूँ ही छोड़ दी गई है। 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, वहाँ पे उद्योग मंत्री आते रहते हैं, जाते रहते हैं, वहाँ पे किसी ने कोई देखने की उठाई। हाँ, विपुल गोयल के उन्होंने नाम लिया, 5 साल से विधायक थे, इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या काम करा है? पोर्टफोलियो। क्या नाम है आपका? मुकुल यादव नाम है मेरा। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, बीटेक कंप्लीट की है। लोग इंजीनियर हो? इंजीनियर है। और फिलहाल एमए पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ और जॉब भी करूँ। हाँ, तो दोनों ही मेन पोर्टफोलियोज जिनकी यहाँ पे बात की गई कि एनवायरनमेंट का हो या इंडस्ट्री का हो, दोनों ही पोर्टफोलियोज यहाँ के हमारे लोकल एमएलए के पास थे। पर निराशा इसी बात की है कि जहाँ पर इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो फरीदाबाद शहर में कोई इन्वेस्टमेंट देखने को नहीं मिली। आईएमटी फरीदाबाद जो कि एस्टैब्लिश करी गई थी पुरानी गवर्नमेंट के टाइम पर, वो आईएमटी खाली पड़ी है। अब धीरे धीरे वहाँ पे कंपनीज जो आ रही हैं, ग्रोथ हो रही है बहुत धीरे। अब 5 साल निकल चुके हैं, भाजपा के पास समय था कि उस आईएमटी को पूरा भर देना चाहिए था कंपनीज के थ्रू, बट वो नहीं हो पाया है, कोई इन्वेस्टमेंट देखने को नहीं मिली। और फिर दोबारा वही बात है, पॉल्यूशन जो कि इतना बड़ा पोर्टफोलियो था यहाँ के मिनिस्टर के पास, उसी पे सवाल और निशान खड़े होते हैं कि फरीदाबाद सबसे प्रदूषित शहरों में गिना जाता है, जिससे हमें खुद नागरिकों को शर्म आती है, यहाँ के लोगों को। फरीदाबाद के बड़ा मुद्दा छिड़ा पॉल्यूशन का। अगर फरीदाबाद की बात करें तो इंडस्ट्रियल टाउन इसको आप कह सकते हैं, इंडस्ट्री काफ़ी थी एक वक्त। अगर हरियाणा में आप इनकी शहर की गिनती करें, सबसे ज़्यादा इकनॉमी, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू यहीं से जनरेट होता था। हालांकि अब तमाम फैक्ट्रियां रोहतक, पंचकुला उस तरफ शिफ्ट हो चुकी हैं, तो इंडस्ट्री का डाउनफॉल जो हुआ है यहाँ पे, उस पर क्या सोचते हैं आप? इंडस्ट्री का डाउनफॉल यही देखा जाए कि मोर देन 50% रेवेन्यू जो है वो गुड़गांव MCF और फरीदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और गुड़गांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन देते हैं। आज भी फरीदाबाद सबसे नामी शहरों में गिना जाता है, फरीदाबाद के पूरे हरियाणा के। मेनली मैं कहूँगा इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, पुरानी जो कंपनी सेटअप थी वही उल्टा जाने वाली है यहाँ से, धीरे धीरे करके यहाँ की इन्वेस्टमेंट और दूर जा रही है और कंपनीज जो हैं वो धीरे धीरे ठप हो रही हैं, लोगों को निकाला गया है। अभी फिलहाल ऑटो सेक्टर जो उसमें डाउनफॉल आया है, फरीदाबाद भी उसका शिकार हुआ है, क्योंकि मेनली ऑटोमोबाइल सेक्टर यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से इस्टेब्लिश है और उसकी वजह से बहुत सारी नौकरीज लोगों को यहाँ पर गंवानी पड़ी है। आपका क्या नाम है? सही कह रहे हैं भाई साहब जो ना, ये नाम क्या है आपका? मुझे ओम प्रकाश शर्मा कहते हैं। ओम प्रकाश जी, आपके हिसाब से क्या मुद्दे हैं फरीदाबाद के, उन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है? ये सारा सड़क का, पानी का, बिजली का सारे काम है जी, सीवर की सारी व्यवस्था है,
आपके विधायक थे विपुल गोयल, टिकट कट गया हालांकि उनका, इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, कैसा काम रहा उनका? काम कोई बढ़िया नहीं रहा। अब लास्ट में आकर के उन्होंने योजना सारे पास करे हैं, सारे शिलान्यास करे हैं। कुछ टाइम पहले यहाँ पे पूरी सड़क खुदी पड़ी थी। अभी नाम है आपका? पुलकित सिंगला। यही कारण उनका टिकट कटा है? टिकट तो देखो यहाँ हवा में क्या है, चर्चा क्या होती है जी? आपसी दुश्मनी है जी, आपसी दुश्मनी। आपसी दुश्मनी नहीं, नाम लेना तो सही बात नहीं है, हम भी यहाँ की है। हाँ जी, बस समझदार को इशारा काफी है। हाँ जी, आप जिक्र कर रहे हैं सांसद जी का और इनका, वो तो जो समझता है वो समझ जाएगा। सही बात कह रहे हैं आप, यही बात है और क्या है, वही रीजन है। वरना ऐसी कोई, अब इनके ये जीती हुई सीट थी, अब इनके टिकट कटने से लखन कुमार जी का बढ़िया वो आ गया है ही नहीं। सबसे पहली बात ये, उसको वो पता नहीं कहीं बाहर के बहुत बड़े उद्योगपति है वो। सबसे पहली बात ये, जब उनका नाम सुनने में तो पब्लिक को जानने में ही पता चल गया कि ये है कौन। ये अभी भी नहीं जानती पब्लिक ये है कौन। यहाँ हमारे जो कांग्रेस के उम्मीदवार है, हमारे भाई लखन कुमार सिंगला, वो यहाँ बहुत साल से काम करवाते हैं, सबकी मदद करते हैं, तो सबके बीच में रहते हैं। एक बात कहना चाहूँगा, यहाँ पर विपुल गोयल जी जब आए थे तो वो भी यहाँ के लिए नए थे, बिकॉज वो भी नए एकदम से आए थे, नया चेहरा थे। पर लोगों ने ये देखा कि 10 साल कांग्रेस की सरकार यहाँ रह चुकी है और आनंद कौशिक जो यहाँ रिपीटेडली 2 बार यहाँ पे एमएलए बने, उनका काम देखा गया, बट लोगों ने चांस दिया विपुल गोयल को, बिकॉज नया चेहरा थे, नई उम्मीद थी और सब चाहते थे हरियाणा में जैसे रिपीटेशन नहीं होता है ज़्यादा, तो सरकार भी पता था सबको कुछ ना कुछ होगा, उलटफेर होगा, मोदी लहर थी, तो विपुल जी को यहाँ से जिताया। हालांकि उन्होंने निराश नहीं किया, लाइकिंग थी लोगों की नो डाउट, और आप देख सकते हैं कुछ वीडियोस भी ऐसी आएंगी जिसमें विपुल गोयल के साथ कुछ लोग हमदर्दी जता रहे हैं, हैं लोग हमदर्दी जताते हैं नो डाउट। बट विपुल गोयल का मैंने कार्यालय देखा, उनका ऑफिस देखा, अभी भी बड़ी सी होल्डिंग लगी हुई है। हाँ, अभी भी लगी, बिकॉज आप यहाँ पे देखेंगे कि पूरी तैयारी हो चुकी थी, पूरी मार्केट में भाजपा के झंडे लग चुके थे, सारी तैयारी हो चुकी थी। पर देखा जाए, अब फिलहाल समीकरण ये बन रहा है कि कांग्रेस टक्कर देती दिख रही है। कारण क्या है इसका? कारण इसका ये रहेगा, बिकॉज कारण ये है कि जो कांग्रेस ने जो टिकट दी है श्री लखन सिंगला जी को, वो यहाँ के रीजनल नेता हैं, जमीनी नेता हैं, पुराने यहाँ से जुड़े हुए हैं, पार्षद से उन्होंने शुरुआत करी है, तो लोग ज़्यादा जुड़े हुए हैं। अब जितना नरेंद्र गुप्ता जी को टाइम लगेगा हर एक इंसान से जुड़ने में, लखन सिंगला ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रैली हुई है वल्लभगढ़ में, उसका कुछ असर है, कुछ होगा? वो तो तिगाम में कुछ फर्क पड़ सकता है या बल्लभगढ़ में फर्क पड़ सकता है, पर इधर फर्क नहीं पड़ेगा जी। तो 15 जिले कवर करने आए थे, 15 जिले, पर ये जिला कवर नहीं होगा जी, ये जिला तो लखन जी का है, हमारे सिंगला साहब का। क्या नाम है? मेरा नाम अशोक है। आज की रैली से पूरा फर्क पड़ेगा, लखन सिंगला जी भी यहाँ के लोकल है और विपुल गोयल जी भी यहाँ के लोकल है, लेकिन लहर गोयल को टिकट मिला नहीं, नहीं मिला ना, लेकिन पूरा दम लगाएंगे वो भी इसके लिए, बीजेपी के लिए दम लगाएंगे। हाँ, नरेंद्र गुप्ता जी सीट निकाल गए। आपको ये नहीं लगता कि विपुल गोयल तो भैया राजेश नागर के लिए दम लगा रहा है? विपुल गोयल तो राजेश नागर के लिए दम लगा रहा है, जो तिगाम से खड़े हैं, इसके लिए ना लगा रहे नरेंद्र गुप्ता के लिए। मतलब ऐसा चल रहा है कि राजेश नागर को तिगाओं में टिकट मिली, कृष्णपाल गुर्जर के लड़के को टिकट नहीं मिली, तो विपुल गोयल वहाँ लड़ा रहे हैं, और विपुल गोयल को यहाँ से नहीं मिली तो कृष्णपाल गुर्जर यहाँ लड़ा रहे होंगे। ऐसा है, थोड़ा सा इनकी खींचतान है कृष्णपाल जी में और विपुल जी में, ठीक है, और वो सांसद हैं, 2 बार के मंत्री भी रह चुके हैं, हैं मंत्री अभी, हाँ अभी भी हैं सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्री हैं, तो इसलिए नरेंद्र जी को, नरेंद्र गुप्ता जी को टिकट। जनता क्या सोच रही है जो आपस में खींचतान चल रही है? जनता कमल खिलाएगी सर। क्यों कमल खिलाएगी, वजह क्या? बस लहर बीजेपी की है, बीजेपी की लहर। हाँ, कांग्रेस का तो छीनो मत भाई साहब, वैसे आप अपनी कहो, मैं भी अपनी कहूंगा। क्यों लहर, वजह क्या? लहर क्या है, पूरे देश में लहर है बीजेपी की, इसकी नहीं जरूर आएगी भाई, बीजेपी की पूरी लहर है सर। मैं इतना दावे कैसे कह सकता हूँ, इधर इतनी दुकानें मार्केट में, अगर एक दुकान भी ये कह दे यहाँ पे काम है, बीजेपी ने पूरी मार्केट खत्म कर दी, हमारी खुद आगे की साइकिल की दुकानें देख लो, एक घिराग नहीं आता दुकान पे, तो किसने करा है? बीजेपी ने करा है, जब तक हमारी कांग्रेस थी खूब बढ़िया थी। नीति ठीक नहीं है, वजह क्या है? फिलहाल लखन कुमार सिंगला जी के लिए यहाँ पे लहर पूरी है, उनके यहाँ पे कोई बीजेपी प्रत्याशी? हाँ जी बिल्कुल, लहर है उनकी, उन्होंने काम करा है यहाँ पे, वो हर सुख दुख में काम आते हैं, किसी के बीच में बैठते हैं, बीच में मार्केट में ऑफिस है, हर दुख सुख में काम आते हैं लखन कुमार सिंगला जी। और उनको नरेंद्र गुप्ता जी को कहाँ, हमने देखा भी नहीं, पहली बार नाम सुन लिया, बोर्ड लग गए, नरेंद्र गुप्ता जी कौन जानता उनको, कोई नहीं जानता, सिंगला जी को सब जानते हैं यहाँ पे। जो नरेंद्र गुप्ता जी के वोटर हैं वो बेसिकली मोदी जी के नाम पर हैं, अगर आप उनसे बात भी करोगे तो वो राष्ट्रीय मुद्दे गिनाएंगे, 370 हुआ, जो मोदी जी के मुद्दे हैं, सफाई अभियान छेड़ी है। समझना चाहूंगा कि यहाँ फरीदाबाद में
क्योंकि हरियाणा विधानसभा का चुनाव है, कौन से मुद्दे चल रहे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे चल रहे हैं कि यहाँ के लोकल मुद्दे? अगर आप लोगों से बात करो तो जो कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे वो अपने लोकल मुद्दे साथ में गिनाएंगे कि लोकल मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, सड़क वगैरह, पानी वगैरह। अगर आपको भाजपा सपोर्टर मिलेंगे और आप उनसे एक सवाल करेंगे कि भाजपा को सपोर्ट क्यों, तो वो एक ही बात कहेंगे, मोदी फैक्ट्री 370 हटाई है, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक। तो दोनों मुद्दे हैं, बात यह है कि कैडर बटा हुआ है। अगर भाजपा कैडर में जाओगे तो फिर वो आपको राष्ट्रीय मुद्दे सुनने को मिलेंगे, पर अगर चुनाव यहाँ के जो एरिया के मुद्दे हैं, हरियाणा के मुद्दे हैं, उन पर लड़ा जाए, तो मेरे ख्याल से जो भाजपा के वोटर हैं उनके पास गिनवाने के लिए कुछ नहीं होगा। जो मुद्दे हैं वो उनके पास मुद्दे क्या हैं मैं बताता हूँ। उनके पास पहला मुद्दा, उन्होंने ग्रुप डी की काफ़ी भर्ती लगाई है, अभी पीछे पुलिस में काफ़ी भर्ती लगाई है, जो वो कहते हैं कि उन्होंने बिना खर्ची और पर्ची के लगाई है। ये एक बड़ा मुद्दा है जो हरियाणा की भाजपा बार बार इस चीज़ का बखान करती है। और वाकई हुआ है, खर्ची और पर्ची से नौकरियाँ मिलना बंद हुई हैं आप लोगों का? एक मेरा दोस्त है, रोता रहे पूरे दिन, सरकारी नौकरी ना लग रही, ना वैसी नौकरी, अब पता ना कैसे कैसे तो पेपर लें सरकारी नौकरी के लिए, क्लर्क बनाने के लिए भी इतने तगड़े पेपर लें, पूछो मत। एक कंट्रोवर्सी यहाँ पर ये हुई है कि समय समय पर पेपर लीक भी हुए हैं और चीज़ें सामने आई हैं कि कहीं ना कहीं खर्ची पर्ची ना सही पर अंडरग्राउंड सारे काम हो रहे हैं। आपकी बात अब सुन लेते हैं, आप उतनी देर से बोलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या नाम है? या मैं कुछ ना बोला, मैं तो ये कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो। नाम बता दीजिए अपना। मेरा मंगला है नाम। अच्छा बताइए मंगला जी। ये कह रहा हूँ, अगर एक विधायक को जिताने के लिए मोदी जी को आना पड़ रहा है तो पोजीशन अपने आप समझ लो, कुछ पूछने की जरूरत ही ना है। सर मोदी जी को आना पड़ रहा है? सर रोजगार नहीं है, ये लोग परेशान है, काम धंधे नहीं है, लोग मतलब इतने कंगाल पा गए, दुकानदारी नहीं है, तो क्या करेगी पब्लिक कुछ क्यों घटी है? रोजगार गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है सर, सब गवर्नमेंट जिम्मेदार है इस चीज की। जब विदेश हो, यहाँ की साफ सफाई देख लो, आप यहाँ की साफ सफाई देख लो, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। सिटी है, ये है, वो है, आप देख लो, दिखा दीजिए स्मार्ट सिटी की हालत, गंदगी, ये स्वच्छ भारत है हमारा, ओल्ड फरीदाबाद की मेन मार्केट है, मगर गंदगी वाकई यहाँ पे साफ तौर पर दिख रही है। क्या नाम है आपका? सर मनीष नाम है, मैं टाटा मोटर में जॉब करता हूँ, टेक्नीशियन हूँ। अच्छा। हाँ सर, मैं ये कहना चाहूँगा, बाकी सारे रोड खट्टर के आने पर सारे रोड बना दीजिएगा, फिर बाद में तोड़ दिए, फिर दोबारा तोड़वा दिए, ऐसा क्यों हुआ? एक हफ्ते बाद दोबारा बना। हाँ, और सारी गली टूटी पड़ी है, इतना पैसा क्यों वेस्ट हो रहा है? अच्छा। जो आदमी रह रहे, गरीब आदमी रह रहे हैं फुटपाथ पे, उनका क्या करा जाएगा? बोला जा रहा है कि प्लॉट मिलेंगे, कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं हो रहा। हाँ, कुछ नहीं मिल रहा जो रह रहे हैं फुटपाथों पे, उन्हें पूछो ना उनकी हालत क्या है, रोड में तो बिगड़ मतलब पैसा वेस्ट हो रहा है। ये पैसा ऐसे वेस्ट करो ना जहाँ आदमी देख सके, कुछ कर सके, बिना फालतू का पैसा वेस्ट हो रहा है। हाँ बिल्कुल हो रहा है। देश में क्या लगता है आप लोगों को, फरीदाबाद वालों को, प्रदेश में किसका डंका बसता दिख रहा है? बीजेपी का क्या बड़े काम किए बीजेपी ने देश में? देखो जी, एक साल, 5-7 साल में तो कायापलट नहीं, 170 साल की, ये तो सभी समझ जाएंगे, कोई समझ नहीं रहा। 70 साल के गड्ढे 5 साल में नहीं भरे जाते हैं। सर 100 दिन में तो भर सकते हैं, 100 दिन का वादा गया, 100 दिन में तो भर सकते हैं, जो 100 दिन सरकार वादा करती है, इसलिए इन्होंने सरकार ऐसे वादे क्यों करें? देखो जी, जमीन पे काम हो रहे हैं वो धीरे धीरे हो रहे हैं, एक साथ तो है नहीं, एकदम हो जाएगा। रात में काम नहीं होते हैं, धीरे धीरे सुधार होता है। ये कह रहे हैं खट्टर के लिए रात रात रोड बनाए, सबके लिए होता है वो, तो सबके लिए होता है। एक मिनट, वो तो गवर्नमेंट किसी की हो, जब कोई वीआईपी आता है ना तो ऐसे ही होता है, ये कोई नई बात नहीं है, ये नई बात नहीं है, ये तो आपको भी मालूम है। बेरोजगार आदमी नहीं हुआ जो आज के टाइम में 10 सालों में इतने परेशान लोग है। हाँ सर, बढ़िया खा रहे थे, बढ़िया ले रहे थे, हर दुकानदार, हर बिजनेस वाला, कोई भी 5 साल से पहले सारे डीसी से सारे कलेक्टर लगे हुए थे, है ना, ये 5 साल में बेरोजगारी फैल गई एकदम। देखिए सरकारी आंकड़े भी कहते हैं कि हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, इसमें कोई द्वारा सरकार खुद भी मान रही है। सर एक चीज बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवनीश शर्मा है, मैं यहाँ का भांजा हूँ, ठीक है जी। और आप एक चीज़ बताइए, बेरोजगारी हम चाइना की हर तरीके से करते हैं कि चाइना आगे है, हमारी कंट्री में और चाइना की कंट्री में सिर्फ कितना अंतर है, ज्यादा दो साल का, ठीक है जी। चाइना ने सबसे पहले ये चीज़ करी कि हमारे को अपने घर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, ठीक है जी। हमारे जब बने थे पीएम, सबसे पहले उन्होंने क्या करा कि हमें नोट पहले सबसे अंदर करना है। आप ये बताइए राजनीति क्या होती है, मुस्लिम वर्ग हमारा है और सारी जाति हमारी है, ठीक है जी। उन्होंने सिर्फ एक चीज़ करी कि जाट जाट को वोट देगा, मुस्लिम मुस्लिम को वोट देगा, उन्होंने
ठीक है जी, उन्होंने क्या करा, गांधी फैमिली ने क्या करा शुरू से ही, ये करा उन्होंने कि सबसे पहले जो मुस्लिम वर्ग है वो भी हमारे देश का ही है, कि यूँ नहीं कहता कि नहीं है, हमारे हैं, भाई हैं, बिल्कुल है, मेरे बाबा नगर में सारे जने जानकार हैं हर तरीके से। उन्होंने अपना वोट बैंक बनाया, ठीक है जी, वो हमारा बिल्कुल फिक्स हो गया, उसको कोई नहीं हटा सकता। उसके बाद उन्होंने क्या करा, पंडित को खड़ा करो, पंडित की वोट मिलेगी, और उसके बाद उनको खड़ा करो, उनकी वोट मिलेगी, जाट को खड़ा करो, जाट वो तो हमारे को देंगे। तो क्या करा कांग्रेस ने, आप एक चीज़ बताइए, यदि आप इस बारे में थोड़ा सा डीपली सोचेंगे तो आपको निष्कर्ष खुद निकल, बीजेपी नहीं करती, बीजेपी ने क्या करा बताइए, आप बताइए, कितने बयान आते हैं मुस्लिमों के, मुस्लिमों के खिलाफ, आप एक आप ही बताइए, इससे पहले जाटों का अरे भाई साहब सुनेंगे, हाँ जी बताइए, मुस्लिमों के खिलाफ कितने बयान आते हैं, क्या आप बताइए, आप बताइए क्या बयान आई है भैया, गिरिराज सिंह के बयान नहीं सुने आपने, बीजेपी नेताओं के बयान नहीं सुने आपने, मैं क्या गिनाऊं आप, नहीं नहीं आपने सुने ही देते हैं, नहीं नहीं मैं देखता हूँ, ठीक है जी, बिल्कुल सारी चीजें मैं मना नहीं कर रहा, सुने हैं, लेकिन गिनाओ आपने सुने नहीं है क्या, कान बंद है, ठीक है जी, लेकिन जिस तरीके से राजनीति कांग्रेस ने करी, आप भी हैं, आप ही युवा हैं हर तरीके, लेकिन कांग्रेस ने की तो कांग्रेस गई, अब तो बीजेपी है, तो बीजेपी की बात होनी चाहिए, बीजेपी की करो यार, तो बीजेपी आप यहाँ हरियाणा का बताइए, आप राष्ट्र में चले गए है ना, हरियाणा का बताइए, हरियाणा में क्यों बात होनी चाहिए, बीजेपी हरियाणा के विकास के लिए जरूरी है, पिछले 5 साल से है, क्या विकास किया, फरीदाबाद के लिए क्या किया, एक इंडस्ट्री नहीं आई बताइए, नहीं आई इंडस्ट्री, नहीं आई, आप कह रहे हैं, ठीक है जी, पूछ रहा हूँ आई है, अरे नहीं आई, ठीक है जी, मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ, ठीक है जी, क्यों नहीं आई, तो सरकार बताएगी ना, आप बताइए, नहीं सरकार तो बाद में बताएगी, सबसे पहले तो हम बताएंगे जो हमारी आदत बिगड़ी पड़ी है, हाँ जी, क्योंकि हमारे को निकम्मापन चाहिए, उसमें मैं भी हूँ, पक्की बात है सर, इसमें जो चीज़ है निकम्मा कम मेरे को भी है, यदि मुझे आज सरकारी नौकरी मिल जाती है, नहीं मिलेगी ये तो बात है, मेरी औलाद को सरकारी नौकरी मिल जाती है, भाई मेरे यहाँ लड़का तो हो गया बिल्कुल सही, ठीक है, तनख्वाह ले रहा है 35,000 रुपये सरकारी नौकरी में, ठीक है जी, उसके बाद रिश्ता करूँगा 65 लाख का, क्यों करेगा भैया, क्यों करूँगा मैं बेटे की, क्योंकि मुझे अपने बच्चे को सबसे पहले ये चीज़ सिखानी पड़ेगी, जो नई जनरेशन है, जो आगे जाके बाप भी बनेंगे, उनको सबसे पहले ये चीज़ सिखानी पड़ेगी, बेटे सरकारी नौकरी को छोड़ दो, हमें अपना इंडिविजुअली खुद पैदा करना है, ये तो आप मानते हैं, क्योंकि हमारे पुराने बड़े बुजुर्ग जो करते थे, कुआं खोदते थे, पानी पीते थे, ये तो आप मानते ही हैं, क्योंकि मैंने देखा है, ठीक है जी, प्राइवेट आप कह रहे हैं प्राइवेट सेक्टर के लिए, तो प्राइवेट सेक्टर में बढ़ावा देने के लिए क्या किया सरकार ने, प्राइवेट सेक्टर के लिए आप एक चीज़ बताइए, प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा घोटाला है, आप मानते हैं, मैं आप आपकी बात बड़ी, अरे सुनो तो सही यार, मैं पूछ कुछ रहा हूँ, आपका जवाब कुछ और चल रहा है, मैं सुन तो सही, प्राइवेट सेक्टर में सरकार ने जो करा होगा वो सरकार के पास आंकड़े होंगे, ठीक है, नहीं करा मैं मानता हूँ, चलो आपकी बात बड़ी करता हूँ, आप कह रहे हो कुछ नहीं किया, हर चीज में आप ना कह रहे हो, कह रहे हो फरीदाबाद में इंडस्ट्री नहीं आई, अब आप प्राइवेट सेक्टर में कह रहे हो कुछ नहीं किया, तो जब कुछ किया नहीं तो सपोर्ट क्यों है फिर आपका, सपोर्ट है किस लिए है, आप एक चीज बताइए, घर का बड़ा बुजुर्ग किस लिए होता है, आप बताइए भाई साहब, मुझसे ना आप, चलो मैं बताता हूँ, घर का मुखिया जो मेरे बाबा थे या मेरे नाना जी थे या वो थे वो घर को संभाल रहे हैं और घर को धीरे धीरे करके इम्प्लीमेंट करके ला रहे हैं, 70 साल के गड्ढे भर जाएंगे एक साथ ही, आप बताइए, आप कह रहे 70 साल में कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ जी, सिर्फ नोट अंदर कमाया उन्होंने, अंदर करो, आज आप एक चीज बताइए, आप ही बताओ 5 साल में, ठीक है जी, आज एनसीपी के नेता, आज एनसीपी के नेता, एनसीपी के नेता क्यों फंसे हुए हैं, भैया हरियाणा की बात कर लीजिए, 5 साल आप राष्ट्रीय मुद्दों में क्यों फंसे हैं, यही बीजेपी तो हमारा मुद्दा हमारे देश के लिए नहीं है वो, आप एक ही बात, चुनाव किसका हो रहा है, हरियाणा का है, ठीक है, कितने हजार बलात्कार हुए ये पता है तुम्हें, कितने हजार 10 सालों में आपके पास डाटा है, बलात्कार नहीं हुए आज तक, गरीब की जनता की किसने आवाज सुनी, पहले बात आपस में बहस मत करिए, एक मिनट भाई साहब, बलात्कार कौन करता है आप बताइए, एक अरे सुनो तो सही, अरे सुनो तो सही, क्या चीज क्या बात कर रहे हो यार, बता रहे हम देख रहे यार, मैं यूपी का रहने वाला हूँ खुद, हाँ जिला उन्नाव का, बोलो विधायक एमएलए है, हाँ सही कह रहा योगी ने, योगी योगी सही कह रहा कि एनकाउंटर होना चाहिए, हैं जो क्रिमिनल्स है, ठीक है, एक एक करके बोलिए, छोड़ो मैं अभी यूपी का, जन्म मेरा यहाँ का लेकिन पैदाइश मेरी वहाँ के, मैं आपको बता दूँ, ठीक है, अच्छा आप दोनों लोग यूपी के हैं, बलात्कार कौन करता है, अरे सुनो मेरी बात, बलात्कार भाई साहब कौन करता है, कौन करता है बलात्कार, कौन करता है,
मानसिक संतुलन जिनका खराब होता है, बलात्कार वो करता है। एक चीज बताइए, ठीक है, जितने बलात्कारी पकड़े जाते हैं सबके मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ, आप ये कह रहे हैं सही लोग नहीं करते हैं। बताओ आप मेरे को, मैं भी सही हूँ। आप तो सही हो, हम कब कह रहे हैं कि आपने बलात्कार किया है? आप इस चीज को हर तरीके, एक चीज बताइए, मानसिक परेशानी किस तरीके की होती है? बेरोजगारी अलग मुद्दों पे जा रहे हैं, हरियाणा के बारे में बात कर रहे हैं। आपको तो मैं आपको कह रहा हूँ, मगर आप तो अलग ही ट्रैक पे चल रहे हो। अरे बुपुल गोयल साहब यहाँ पे MLA विधायक थे, इतने अच्छे आदमी है बहुत ज्यादा, उनके वजह से उनका टिकट काट दिया, जो क्या वो बिल्कुल क्लियर जीत के सपा जाते हैं, निर्दलीय से खड़े होते हैं तो जीत के सपा जाएंगे। पार्टी गलत कहाँ है आप बताइए? आप एक चीज बताइए, नरेंद्र गुप्ता जी कौन है? भारी आप, भारी आपका है, डाटा दिखाओ क्या नेट में चल। अरे आप एक एक काम, अरे यार सर मैं आपको देता हूँ ना, रुको ये लो। अरे बात इनकी उनकी नहीं है, बात नरेंद्र गुप्ता की है। नरेंद्र गुप्ता जी आप एक चीज बताइए, भारी कौन होता है? मैं इनसे पूछता हूँ। बुपुल गोयल जी से हमारे ऑफिस में जो, मैं यहाँ का नहीं, कुछ नहीं कार्यकर्ता, वो कार्यकर्ता कहाँ है? वो इनकी दुनिया क्या कह रहा है, क्या नाम है, कौन सा कार्यकर्ता वो? नहीं नहीं कार्यकर्ता कौन से वो? आपने एक चीज बताई है, बुपुल गोयल जी को दी थी जब क्या? ठीक, जब वोट करी थी विपुल, क्या चीज? अरे सुनो तो यार एक मिनट, कौन सा थाना आपको कब पता लगी? अरे आपको कब पता लगी टिकट जब दी थी आपको पता लगी? नहीं नहीं पहले नहीं थी, ये बात मत कहो आप, आपको जब पता थी। अब यार अब वो जो कह रहे हैं उनकी आप अपनी थोप रहे हो, आप भाई साहब हो गया आपका, क्या नाम है आपका? नहीं बोल पाएंगे, क्या हो गया? नहीं कुछ उनका क्या नाम है? टोनी क्या करते हैं? चाय की दुकान है भाई। आप भाई साहब हो गए, आप शांत हो जाइए, हल्ला क्यों कर रहे हैं इतना? आपको पता है ये कह रहे हैं कोषा अध्यक्ष है प्रदेश के, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर भाई साहब यहाँ बाहर का मतलब क्या होता है? विधानसभा के नहीं है, ठीक है जी, यही तो ये लोग कह रहे हैं। हाँ तो विधानसभा के अच्छा नेता। अरे भाई साहब आप थोड़ा शांत होइए पहले, ये परमानेंट बोलते रहेंगे और लोग मौका देंगे कि मैं सबको भगा दूं, आपका माइक रख दूं, आप बोलते रहिए, भाषण चल रहा है यहाँ पे। पांच सीटर ज्यादा है तो गारंटी है, क्यों? अच्छे आदमी को अपनी पार्टी के, बुपुल गोयल जैसे आदमी होगा, अच्छे आदमी के साइड हो जाइए पहले आप लोग, जाम लग रहा है। आपने क्या कहा? हाँ जी, मतलब जो अच्छा आदमियों के, बुपुल गोयल जी ने इतने 35 सालों में काम किया है, अपनी पार्टी के साथ में जिम्मेदारी साथ लेके चले हैं, ऐसे आदमी को जब ऐसे आप पार्टी से टिकट कटेगा तो ऐसे आदमी पे दिल पे क्या बीतेगी बताइए आप? मैं लोगों के दिल पे क्या बीत रही है समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान। क्या करते हैं? मैं तो फिलहाल घर पे ही हूँ, ऐसे पहले किडनी की डायलिसिस पेशेंट हूँ। हाँ जी, आपके हिसाब से फरीदाबाद में क्या चल रहा है, क्या मुद्दे हैं, कौन सा प्रत्याशी आगे दिख रहा है? लखन कुमार सिंगला दिख रहे हैं आगे, उसका वजह है कि जो मौजूदा यहाँ विधायक थे उनका टिकट जो काट दिया गया है, वही वजह है यहाँ पे लोगों में उसी का रोष है। गोयल को मिलता जीत जाते, एक तरफा जीत होती थी। हाँ जी, क्या वजह थी? काम करे उन्होंने लोगों को, गरीबों के साथ बहुत काम करे उन्होंने, जैसे झुग्गियाँ टूट रही थी वो झुग्गियाँ बचाई हैं उन्होंने, तो लोगों का जो दर्द समझा था विपुल गोयल जी ने समझा था, उसकी वजह से लोग उनके साथ थे। अभी जो है दूसरे कैंडिडेट है उनको इतना ना तो कोई पसंद करता है, ना ही इतना उनका मार्केट में वो कुछ है। आ रहे हैं, रख जाइए, क्या परेशान है? यही वजह है कि इस टाइम जो है इलेक्शन एक तरफ दिख रहा है, जो है कांग्रेस की लहर है, रुपल जी के टिकट कटने की वजह से 9 की 9 विधानसभाओं पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि एक अच्छे आदमी का टिकट उन्होंने काट दिया पार्टी ने। लोग यहाँ पार्टी से कम जुड़कर विपुल से ज़्यादा जुड़े हुए थे, जैसे कि मैं खुद हूँ, मैं बीजेपी को पसंद नहीं करता, लेकिन अगर विपुल जी थे तो मैं उनके साथ था। जी सर, एक चीज़ और कहूँगा लास्ट में, इस बार 75 पार जाएगी बीजेपी। फरीदाबाद का जो स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट हमें पेश किया गया है, जो हमें बेचा गया है, वो कम से कम पूरा हो, साफ हो सड़क, सांस लेने के लिए साफ हवा हो, पानी वगैरह का जो बेसिक नेसेसिटी, जो बेसिक मुद्दे हैं, जब आप NCR में रहते हैं कम से कम इतनी तो उम्मीद रखते हैं आप किसी भी सरकार से, ये हमें एटलीस्ट मिलने चाहिए। हम चुनाव आगे के मुद्दों पर लड़े, बेरोजगारी पे, लोगों की शिक्षा पर, उस पर तो जब पहुँचेंगे, जब हमारे जो मूलभूत सुविधाएँ जब वो हमें मिलेंगी, सांस लेना, साफ पानी, साफ सड़कें, कम से कम ये हमें इस बार मिलना चाहिए, ताकि अगला चुनाव जब लल्लन टॉप यहाँ सर्वे करे तो हमारे कुछ बड़े मुद्दे हों।
कि हम विकास की ओर अग्रसर देखें। अभी आप मूलभूत सुविधाओं से मूलभूत सुविधाओं से बाहर नहीं निकले हैं, हम विकास की बात तो तब करेंगे। विकास की बात भाषणों में होती है, चुनावी रैलियों में हो जाती है, पर जो चुनाव है वो सिर्फ मूलभूत सुविधाओं का है। जिस दिन मूलभूत सुविधाएं पूरी होंगी उसके बाद चुनाव विकास के ऊपर अग्रसर होगा। उससे पहले ना रोजगार की बात अच्छी लगेगी, पीने का पानी नहीं मेरे घर में, मैं रोजगार की किससे बात करूंगा। जो मूलभूत सुविधाएं वो सबको मिलनी चाहिए, कम से कम वो सुनिश्चित होना चाहिए। तो फरीदाबाद के मुद्दे बेसिक सुविधाओं के पहले बात कर रहे हैं। दूसरा मुद्दा है कि यहाँ पे ये भी बना हुआ है कि इंडस्ट्री मिनिस्टर विपुल गोयल उनका टिकट कट गया है, कुछ लोग जो नए प्रत्याशी उनको भारी बता रहे हैं, ये भी एक मुद्दा बना हुआ है। जो वोट देने की बात कर रहे हैं वो ऊपर मोदी के नाम पे देने की कर रहे हैं, बाकी रिजल्ट क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। हमने फरीदाबाद के मुद्दे आपको बताए, ऐसे जिस शहर जाएंगे वहाँ के मुद्दे भी आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए दी ललन टॉप की चुनाव यात्रा। मैं सौरभ हूँ, कैमरे के पीछे मेरे साथ जेरी हैं। शुक्रिया।